लीजिए बेटा बोल रहा है ठीक है आप हाँ ठीक है वो बिरयानी अचानक सामने आई तो हमारा जिम में चल गया कुछ ना चटपटा खट्टा खाने का मन कर रहा है चक्कर भी आ रहा है हमें कुछ है क्या तुम्हारे पास रोटी है करिश्मा मैडम ये क्या है चक्कर उल्टी ये माँ बनने का आसार है माँ के बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत उल्टा सीधा बोलता है किसका है काम का है सहेली का है हमारे ये नवाब नवाब साहब नवाब का फोन है नवाब साहब एक मिनट जा 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 भी ले जा आराम से हेलो अरे हेलो आवाज आ रही है हेलो पुष्पा जी ये सब गलती हमारी है इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से आपकी हालत हुई है नहीं नहीं नवाब साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं हमने भी तो आपको मना नहीं किया ना इसमें हमारी मर्जी भी तो शामिल थी अब आपने कोई जबरदस्ती तो नहीं की हमारे साथ नहीं नहीं पर जिद तो हमने की थी ना काम काम है आपके पीछे पड़ गया अब हमें भी तो अच्छा लग रहा था ना नवाब साहब इसीलिए कह रहे हैं खुद को दोष मत दीजिए पर क्या लगता है वही है अभी पक्का तो नहीं कह सकते मगर आसार तो हमें वही नजर आ रहे हमारा जी मचल रहा है अभी अभी उल्टी भी करके आए हम है? अब वैसे भी डॉक्टर के पास जा ही रहे हैं देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं बाय खुदा हाफिज अपना ख्याल रखिएगा नवाब नवाब का कांड है सब झूल नवाब ने किया है माँ आराम से माँ ये क्या आराम से ऐसी हालत में नहीं दौड़ते क्यों नहीं दौड़ते पेट से ना हाँ क्या क्या बोल रहा है मैडम बिल्ले पेट से दर्द उमड़ रहा है ना इसीलिए ऐसे दौड़ेगी तो और दर्द उमड़ेगा इसीलिए टेक इट इजी माँ इजी हम जरा डॉक्टर के पास जाके आते हैं मैं भी आऊंगा तुम क्यों आओगे कन्फर्म करने क्या कंफर्म करना है मतलब आपके पेट में क्या है एग्जैक्टली मतलब दर्द किससे है जड़ क्या है बीमारी क्या है ये जानने के लिए नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है हम अकेले जाकर आते हैं जय मैडम नहीं 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 जाओ नहीं ये जाएगा आपके साथ में अकेले नहीं जाएंगे आपकी तबीयत खराब है बिल्लू जाओ साथ में जाओ जाओ और बताओ डॉक्टर क्या कहते हैं और अगर डॉक्टर गोलगप्पे खाने से मना करेगा तो तुरंत तुरंत हमको कॉल करके बताओ ये सब गोलगप्पे की वजह से हो रहा है सब कुछ हाँ हाँ ठीक है जय हिंद एक रेखा हो गया आई एम बिल द स्पाई पता लगा के रहूंगा माँ के पेट में क्या छुपा है माओ तो पहचान जाओ ना बे माँ अच्छा वेट अप काम पे लगो ठीक है कैसे कैसे इट इज नॉट पॉसिबल माँ कह दो कि ये गाना कह दो कि ये वो तो मैं हो रहा हूँ शर्म के मारे गर्मी के मारे है पानी पानी मैं हो रहा हूँ आपको पीने वाला पानी चाहिए ना हाँ ए पानी दे रहे बोतल वाला हाँ बोतल वाला पानी ब्रांडेड ब्रांडेड चाहिए ब्रांडेड पानी चाहिए हाँ ब्रांडेड पानी क्या कहाँ मिलेगा यहाँ हाँ आगे से देखो बाई जाके दाई जाके उल्टा घूमोगे ना वहाँ नन्नो मार्केट पड़ता है ना तो वहाँ मिलेगा वो जो ब्रांडेड पानी है ओके, ब्रांडेड, जल्दी जल्दी हाँ, हाँ, आगे से दाई जाके बाई जाके ए, दुकान तो इधर ही है भाई साहब बोतल देना देसी शराब का ठेला आगे से राइट में है पानी की बोतल चाहिए और जरूरी नहीं है शक्ल से बेवड़ा दिखता है तो बेवड़ा ही होना चाहिए ये पैसे ले पानी की बोतल दे फटाफट हाँ हाँ अभी देता हूँ ये लीजिए भाई साहब ये क्या है पानी की बोतल ब्रांडेड चाहिए ब्रांडेड भाई साहब वो तो नहीं है नहीं है नहीं है पैसे वापस कर वो भी वापस नहीं हो गए क्यों देखिए भाई साहब यहाँ एक बार माल जो बिक जाता है ना वो वापस नहीं लेते हम माँ को देखा चलना माँ
ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? ये कैसे हो सकता है? मतलब जरूर कोई गलती हो गई है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। मैडम आपने दुनिया की सबसे अच्छी कहावत नहीं सुनी है? उसकी मर्जी के आगे किसकी चली है? किसकी मर्जी के आगे? अरे उसकी। हाँ हाँ ऊपर वाले की, आप ऐसे आ रहे थे। हाँ समझ रहे हैं हम, मगर उसकी मर्जी का कुछ आधार भी तो होता है ना। यहाँ आप जो कह रहे हैं उसका तो कोई आधार ही नहीं है। मतलब ये ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे जादू की तरह हवा में थोड़ी ना ये कुछ होगा। आप प्रेग्नेंट हैं मैडम, ऑन रिकॉर्ड, और यही सच है। ये कुछ दवाइयाँ हैं जिसे आपको लेनी है, और कुछ टेस्ट भी लिखे हैं, उसे भी कराना जरूरी है। प्रेगनेंसी से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सीधा हमसे कॉन्टेक्ट करना है। जी प्रेगनेंसी में क्या सावधानियां बरतनी है वो आपको लिख के देती हूँ मैं। जी ये लीजिए। माँ, माँ कहाँ गई? यहाँ? ए नहीं, ये तो मैटरनिटी क्लिनिक है, बच्चा बच्चा होता है कि नहीं ये देखने के लिए। ए बाप रे माँ, मैटरनिटी क्लिनिक से माँ? करिश्मा मैडम को बताना पड़ेगा। करिश्मा मैडम। हाँ बोलो पहले। माँ। हाँ निकल गई। कहाँ? मतलब हॉस्पिटल से ना? नहीं हाथ से निकल गई। कब बोल रहे हो बे तुम? करिश्मा मैडम अनर्थ हो गया है, बवाल हो गया है, इस उम्र में बहुत बड़ा सवाल हुआ है। यही बकलौली करते रहोगे या बताओगे कि क्या बोलना चाहते हो तुम? करिश्मा मैडम, माँ वो मेरे सामने बिली मैटरनिटी क्लिनिक से बाहर आ रही है। हाँ हाँ तो माँ माँ बनने वाली है, लल्ला पार्ट टू आने वाला है। कौन से भगवान को मानते हो? हैं? जिस भी भगवान को मानते हो उनके चरणों में जाके पहले अपना सर फोड़ो और फिर वहाँ पे 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ। अरे आपकी सासू माँ माँ बनने वाली है, मैं क्यों प्रसाद चढ़ाऊँ? इस बात के लिए बिल्ले कि अगर अभी तुम हमारी आंखों के सामने होते ना, मैया कसम पहले लात मार के तुमको थाने से बाहर करते, फिर तुम्हारे सर में गोली दाग देते हम, समझे? करिश्मा मैडम रुक जाइए, मैं सच कह रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम थाने आओ, तुमने जो ये सस्ता नशा किया ना वो हम अभी उतारते हैं। रखो फोन। अरे काट दिया, इंसल्ट, बिल्लू तो स्पाई का इंसल्ट। अभी मैं इनको सबूत के साथ साबित करके रहूंगा कि माँ माँ बनने वाली है, लेकिन इसके लिए माँ की रिपोर्ट मेरे हाथ लगनी चाहिए। बट हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे रिपोर्ट कैसे आएगी हाथ में? जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम बिलू द स्पाई। बालक कैसे दिए? 20 रुपए गड्डी साहब दिए। 20 रुपए? और ये कैसे दिया है? अरे बहुत अच्छा है, सब्जी के बाद लेता हूँ। अरे साहब जी आपका गमछा। हाँ मेरा कौन ले गया? वो आदमी ले गया। अरे मेरा गमछा, अरे पकड़ो, मेरा टमाटर, मेरा गमछा पकड़ो पकड़ो। क्या है भाई, कौन है? अरे चोर 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 चोर, पुलिस पुलिस। अरे मैडम आप ही पुलिस हैं? अरे हाँ हम ही पुलिस हैं, मगर क्या हमारा चेहरा ताक रहे हो? आम जनता का फर्ज नहीं है पुलिस की मदद करना, चोर को पकड़ना, जाओ भागो। हाँ हाँ ले भाई, ले भाई अपना ले। चोर 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 चोर, एक ही जगह पे खड़े रह के क्या चोर 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 चिल्ला रहे हो? अरे हमारा सामान चोरी करके भागा है, जाओ पकड़ो उसे, भागो। चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बताइए कैसे लोग हैं? अरे बाप रे, ये फाइल जहाँ से लाई थी वही वापस जाएगी। I'm below the spy. चोर 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 चोर
चोर पकड़ा गया। हाँ मैडम जी, ये लीजिए आपका गमछा। हाँ, गमछा कहाँ है? हमारा गमछा, हमारा फाइल है। ये फाइल आपका मैडम। चलो 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 भाई लोग, चलो। ठीक है ठीक है ठीक है। बिजली के तार पे और बिल्लू की विचार पे कभी संदेह नहीं करते, वो दोनों हमेशा जोर का झटका देते हैं। मैं साबित कर दूंगा आपके पतिदेव के प्रॉपर्टी का और एक हिस्सेदार आ रहा है 9 महीने के बाद। आपके इस कंटाप से आप मुझे शट्टाप नहीं कर सकती। आपके हर एक कंटाप का जवाब मेरे इस मोबाइल में है। ए बाप रे, देखा कंफर्म प्रेगनेंसी, नेक्स्ट हफ्ते में अल्ट्रासाउंड टेस्ट, पुष्पा जी मां बनने वाली है। चुप, नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये गलत है, नहीं ये गलत है, कुछ भी बके जा रहे हो, कुछ भी बोल रहा है। पकड़ो हमें, पुष्पा जी को फोन करना। अरे अभी भी संदेह? क्या रे बिलौटे, वैसे तो माँ माँ करते रहते हो, हमारे आगे पीछे घूमते रहते हो, और आज हमें बीच रास्ते में छोड़ के कहाँ चले गए? देखिए कैसे चमक रही है प्रेगनेंसी ग्लो, गर्भवती का ताप। बहुत थक गए हम, सोच रहे हैं कुछ महीनों के लिए छुट्टी लेकर कहीं यहाँ से दूर चले जाए, मतलब जहाँ किसी का आना जाना ना हो। 9 महीने की छुट्टी ताकि बिना किसी को कानो कान खबर हुए डिलीवरी हो जाए और लल्ला 2.0 आ जाए इनके साथ। का क्या ये जो चल रहा है, ये का चल रहा है? अरे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? अरे ये जो नहीं चलना चाहिए था जो चल गया है, ये का है ये सब? एक बार आप तय कर लीजिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर हमें बुला लीजिएगा, हम अंदर जा रहे थोड़ी देर आराम करने के लिए, अभी भी हमारा जी मचल रहा है। तेरे बाप रे, कौन है, कौन है वो जिसने ये घटिया हरकत की है, ये वाहियात करती है? हमें नाम चाहिए उसका, उस घटिया आदमी का नाम चाहिए, हम उसके दुर्रो उड़ा देंगे हम उसके। कौन है वो, कौन है, हमको बताओ। क्या चुप करो, क्या नाम है? नवाब साहब। नहीं नहीं, नवाब साहब ने पुष्पा जी के लिए गिफ्ट भेजा है, देखिए मैडम। नवाब, प्राइम सस्पेक्ट है ये, इस हादसे का प्रबल दावेदार है ये नवाब। का क्या का, पूरा लखनऊ शहर जानता है ये नवाब माँ पर लटकू है, मरता है, ऐसे केकड़ी की तरह हो जाता है माँ को देख के, अष्ट भुजाएं निकलती है ऑक्टोपस की तरह माँ को छपटने के लिए, माँ को देखता है तो आके गिर के वापस अंदर, ऐसा दरिंदा है ये, आपने देखा नहीं? अरे आप तो हंसती हुई ना बड़ी हसीन लगती है, बस आप यूं ही खिलखिलाते रहिए और हम यहाँ खड़े हुए आपको खिलखिलाते हुए देखते रहे। आपका कैसे आना हुआ? हम तो इस दुनिया में आए हैं तो सिर्फ आपके लिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी मत सोचवाओ हमको, तुम ये खोलो, खोलो इसे, खोलो ना मैडम, ये पुष्पा जी का गिफ्ट है ना, और दूसरे का गिफ्ट खोलना बहुत गलत बात होता है। खोलते हो क्या फिर? आप कैसे खोल लिए रे? हाँ, सिद्धांत और डर दोनों अलग अलग चीज होता है, जीतता हमेशा डर है। क्या है, गजल? अचार? अचार? इसकी मैया की सासू मैया, इस बुझे हुए शाही हुक्के से चिंगारियां फूटी है ना, इसको तो हम, तुम लगाओ, तुम नवाब को फोन लगाओ, उसको बुलाओ यहाँ। जी मैम। और तुम जब नवाब यहाँ आएंगे तो हमें पुष्पा जी यहाँ नहीं चाहिए, हमको नहीं पता तुम कैसे करोगे क्या करोगे, लेकिन हमें पुष्पा जी बाहर चाहिए जब नवाब थाने के अंदर होगा, समझे तुम? या आई विल मैनेज। हमें पता था एक दिन हमारी हवेली की पेशानी की मनुष्यत के बादल छटेंगे और इस थाने के अच्छे दिन आएंगे, ये थाने वाले हमें खुद बुला के और हमारे 6 महीने का किराया सूद के साथ हमें देंगे। लाइए। का लाइए? अरे जिसके लिए हमें बुलाया है, किराया लाइए और क्या लाइए? किराया देने के लिए नहीं बुलाया है आपको, जो कांड करके बैठे हो ना इस उम्र में, उसकी पूछताछ करने के लिए आपको बुलाया है यहाँ पे।
मतलब हुक्का बुझ गया है, लेकिन गुड़गुड़ाना आपने अभी भी छोड़ा नहीं है। या खुदा, यहाँ भी सबको पता चल गया। चल गया, चल गया, सबको पता चल गया। नवाब साहब बुढ़ौती में जो गुलाटी मार रहे है ना, सबको पता चल गया, बताइए इनको। चाय 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 चाय, ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। ए बक, यहाँ किसी को चाय नहीं मिलेगी, कोई चाय नहीं पीना है। अरे मैडम, यही बात प्यार से नहीं बोल सकती थी आप? अरे जाने यहाँ से। अरे बुढ़ो। नहीं मैडम, लेकिन बासी कड़ी तक में उबाल हम सुने थे, यहाँ पर तो कड़ी में एकदम घमासान मच गया है, और घमासान वगैरह मच मच के पकौड़ा डल गया। क्या कर दिए नवाब साहब आप? अरे मियां, हमने जानबूझ के थोड़ा किया था। चांदनी रात थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, फर 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 करके, और दूर से रफी साहब का गाना आ रहा था, और मैं बैठे बैठे जज्बात बेकाबू हो गए। बस मोहब्बत की कहानी में जवानी दीवानी हो गई और हमसे नादानी हो गई। अरे भाई, हम इंसान हैं, हमसे भी तो गलती हो सकती है ना? हाँ नवाब साहब, बिल्कुल गलती हो सकती है। जिस उम्र में आदमी को हलवा तक चबाना मुश्किल होता है, उस उम्र में आप अखरोट चबा कर पचा भी गए। उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना इन्होंने किया है। दम्मे वाले टॉम क्रूज, नहीं कोई उम्र है जलवा दिखाने का जी। अरे मियां क्या ये उम्र उम्र लगा रखे हो? अरे हम नवाब है नवाब, और हमारा जो हाजमा है ना, बड़ा दुरुस्त है। अच्छा? अरे हम तो बड़े बड़े पत्थर चबा लें, और ये तो फिर भी बिरयानी थी, और वो भी बड़ी नजीस। बाप रे, मैडम मैडम इधर आइए, मैडम इधर आइए। मैडम बेशर्मी देख रही है बुड्ढे का। पुष्पा जी को सरेआम बिरयानी बोल रहे हैं, लजीज वाला। जाइए पेलिए पेलिए। हम आओ है ना, हम उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना हाजमा तो हम अभी ठीक कर देते तुम्हारा यहीं पे। अरे कुछ तो आगे पीछे का सोचा होता, दुनिया समाज लोक लाज दुनियादारी। हाँ अब क्या पुष्पा जी अपना मुंह दिखाएगी पूरे समाज के सामने? बताइए क्या किया तुमने ये नवाब? क्या किए? खाली नवाब, अरे नवाब साहब बोलो, इतना आप लोग जो है बवाल को मचाए हुए हैं। मुझे बताइए भाई, दोनों में भूल हो गई आपस में, और इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। बाजार में डॉक्टर हैं, दो मिनट के अंदर सारा मामला रफा दफा कर देंगे। और एक बार बताइए, अरे किसी को क्या पता कि चांदनी रात में हम दोनों के बीच में क्या हुआ? किसी को नहीं पता चलेगा, काम खत्म। और हम लेके जाएंगे पुष्पा जी को डॉक्टर के पास, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या बात है बिल्ले, शादी से पहले आने वाले मेहमान की तैयारी, इतनी दूर की सोच? होता है माँ, यहाँ भी दूर दूर तक किसने सोचा था ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब ये 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 दिखा ना झुनझुना। बिल्ले बिल्ले क्या है, देखो तुम, तुमको तो पता है ना अभी हम ड्यूटी पर हैं, और तुम हमें जिद करके अपने साथ लेकर आए। हम जा रहे हैं, हमें ड्यूटी वापस ज्वाइन करनी। अगर पुष्पा जी थाने पहुंच गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि करिश्मा मैडम थाने में नवाब साहब से पूछताछ कर रही है। ए बाप रे माँ, ये तेरी, अरे माँ मा, क्या वो देखो, क्या कहाँ? यहाँ स्वर्ग। रुके, मतलब आप मानते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें आपका जिम्मेदारी है? बिल्कुल। तो आपका फर्ज बनता है अपनी इस गलती को ठीक करना? अव्वल तो हम इसे अपनी गलती नहीं मानते हैं, लेकिन आप कह रही हैं तो गलती सही, अब इसे हम अपना फर्ज समझ के हल कर देंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, शादी करेंगे। हम समझे नहीं भाई, अगर हमने आपने शादी कर लिया तो इससे पुष्पा जी का मामला कैसे हल होगा? और दिक्कत तो पुष्पा जी को है ना, है? और आप तो पहले से शादीशुदा हैं, हमारे तो 12 बेगम ऐसे ही हैं, तो चलेगा क्या आपके पति को? नहीं, क्या हुआ? ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्यों भाई? नहीं मतलब सुबह आपका पेट खराब था, फिर आप डॉक्टर के पास गई थी, तो ऐसी नाजुक हालत में ये ऐसा गोलगप्पा वगैरह बाहर का खाना आपके लिए ठीक नहीं ना? थैंक यू माँ, थैंक यू। बिल्ले, हमें अपनी माँ समझते हो ना? हाँ हाँ, मानते भी हो ना? हाँ हाँ। सच सच बताओ, चल क्या रहा है? चल क्या रहा है बताओ, हमें तुम्हें हमारी कसम है, बताओ हो गया?
हो गया, कितने पैसे हुए भाई? बता। अब क्या बताए, बाप रे कठिन है। आपको तो आइडिया भी नहीं है नवाब साहब कि मौत ना आपको कैसे छू छू के जा रही है। कनपट्टी के पास से निकल गया आपके मौत। फिर भी मौके का ना जाकर देखते हुए इस दुस्साहस के लिए हम आपको माफ करेंगे और ये जो चीज है इसको क्लियर करेंगे कि हम आपके और हमारी शादी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पुष्पा जी की शादी का बात कर रहे हैं नवाब। अरे आपकी और पुष्पा जी की शादी नवाब साहब? अरे एक मिनट। अरे भाई हम पुष्पा जी से शादी क्यों करेंगे? अरे अभी तो आपने कहा गलती सुधारने के लिए करेंगे। अरे तो शादी क्यों करें? ताकि होने वाले बच्चे को उसके बाप का नाम मिल सके। अरे किसका बाप? अरे पुष्पा जी के होने वाले बच्चे का बाप। हाँ। मैडम ये तो मरे हुए कौवा की तरह उलट गए। एक मिनट। अरे भाई हम पुष्पा जी से शादी क्यों करेंगे? अरे अभी तो आपने कहा गलती सुधारने के लिए करेंगे। अरे तो शादी क्यों करें? ताकि होने वाले बच्चे को उसके बाप का नाम मिल सके। अरे किसका बाप? अरे पुष्पा जी के होने वाले बच्चे का बाप। हाँ। मैडम ये तो मरे हुए कौवा की तरह उलट गए। मैडम छोड़िए ना, मर गए हैं नहीं जिंदा है। नवाब साहब ये जिंदा है। उठिए मैडम बुला रही है। उठिए। हाँ बस। बस। ना, दोबारा बेहोश मत होइएगा, बड़ा मुश्किल से आपको उठाए हैं। शादी करेंगे या गोली खाएंगे? रुकिए। अरे आप होती कौन है हमसे या इनसे कुछ भी सवाल पूछने वाली? क्या हम दूध पीते बच्चे हैं कि हर काम आपसे पूछ के करें कि ये करें कि वो करें? ये हमारी अपनी जिंदगी है और उसे हमारे तरीके से हमें जीने का अधिकार है कि नहीं? जो भी करना है हम अपनी मर्जी से करेंगे, हमारी मैया बनने की कोशिश मत कीजिए आप। रखिए बंदूक अंदर रख दीजिए वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, चेता रहे आपको। बहुत हो गया, अभी बहुत हमारे दिमाग के गुब्बारे उड़ा दिए आप दोनों ने। अब अगर किसी ने भी चूरन गिरी किया मैया कसम बता रही कि उड़ा देंगे यहाँ पे, समझे? राव इधर आइए, आइए, आ जाइए, आ जाइए। कबूल कीजिए कि आप हैं इनके इस हालात के जिम्मेदार। एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे आप। बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो उड़ा देंगे हम आज। हाँ तो फिर उड़ जाइए, उड़ जाइए, वापस आ गए ये नवाब। उड़ गए। बाप रे अपना आशिक उड़ा दी। अभी तो कंफर्म हो गया ना, लल्ला पार्ट टू कमिंग सून। यहाँ है यहाँ मर। बहुत अच्छे। पापा कहती है ये कोई उम्र है कारनामा करने की, दिमाग कथा ही कर दिए। ये सासू मैया के लल्ला पार्ट टू ने ना हमारी सुख चैन की लगा दी है, क्या करें हम? हाँ बस आराम से भाई। अरे कैसी उल्टी गंगा बह रही है, जो काम सास को करना चाहिए इस उम्र में वो बहू कर रही है और बहू को करना चाहिए वो सास कर रही है। और नहीं तो क्या, इस उम्र में भी कोई माँ बनता है? छी, कलयुग है जी कलयुग। क्यों ध्यान दे रही हो सबकी तरफ? देखो एक बार जब बच्चा बाहर आ जाएगा ना फिर देखना, हम हमारी ड्यूटी और बच्चा दोनों आराम से संभाल लेंगे। क्या देख लिया आपने? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यस करू बोलो। माँ बनने वाली है। क्या बात कर रही हो तुम?
तुम माँ बनने वाली हो? हम कैसे माँ बन जाएंगे? आपकी अम्मा माँ बनने वाली है। ये क्या कह रही हो? अम्मा? और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये डॉक्टर बोल रहे हैं और उनकी मेडिकल रिपोर्ट बोल रही है। क्या कह रही हो यार? दिक्कत हमें इस बात से है कि लल्ला और लल्ली पार्ट टू कैसा लगेगा, कितना दिक्कत तूफान आ जाएगा, आप समझो, इस बात से दिक्कत है हमें। अच्छा अच्छा ठीक है, शांत हो के हमारी एक बात सुनो। यार देखो, हमारे लिए भी इतना आसान तो है नहीं है सब, हम भी उतने शौक नहीं रहते तो, पर एक सेकंड के लिए किसी की बहू नहीं है, एक औरत बन के सोचो यार, क्या हमें अम्मा के इस फैसले की इज्जत नहीं करनी चाहिए? और दोनों को बैठकर उनसे ये नहीं पूछना चाहिए कि वो क्या चाहती है? मैडम बाहर आकर देखिए ना, क्या बवाल मचा हुआ है, औरतों का एक बहुत बड़ा जत्था आया हुआ, हाय पुष्पा जी, हाय पुष्पा जी से चिल्ला रहा है वो लोग। सुनिए अभी कुछ अर्जेंट काम आ गया, आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ रखिए, चलो। पुष्पा सिंह हाय हाय, 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 पुष्पा सिंह हाय हाय। एक आवाज नहीं निकलना चाहिए, एक आवाज नहीं निकलना चाहिए, बे आवाज कर देंगे, बता रहे। कोई एक इंसान सामने आओ, हमको बताओ क्या तकलीफ है, काय पुष्पा जी के नाम का बिल फट रहा है यहाँ पर। तरन्नुम नाम है हमारा, नवाब साहब की बीवी नंबर 9, और ये सब उनकी ब्याहता। अरे सोतन, और हम सब उनकी 21 बीवियां, जिनमें से चंद तो अभी आई भी नहीं है, पूरा कुनबा आ जाए ना तो आपका ये थाना तो दिखाई भी ना दे। एक सेकंड, आप हमारे थाने के सामने खड़े होकर हमारे थाने को धमकी देंगे तो बात बिगड़ जाएगा, बता रहे हैं। अब बिगड़ने को बचा क्या है, जितना बिगड़ना था वो तो बिगड़ चुका, हम सब तो उसे रोकने आई है जो आगे और ना बिगड़े। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हैं आप? अरे पहले से ही नवाब साहब का अच्छा खासा भरा पूरा कुनबा है, और ऊपर से पुष्पा जी एक और इस पैदा करना चाहती हैं। निकालिए उसे बाहर, जिसे इस उम्र में माँ बनने का शौक चढ़ा है। छी, निकालिए उसे, जाइए। शांत, सारा गलती पुष्पा जी का है, नवाब साहब का गलती नहीं है, उनको नहीं सोचना चाहिए था आप सबके बारे में, उनको कुछ नहीं कहिएगा आप। औरत है इसलिए हम लिहाज कर रहे हैं, वरना हाँ हाँ आप तो उन्हीं की तारीफ दारी करेंगी ना, सास जो है तुम्हारी वर्दी की सीमाओं में है, नहीं तो कोई हमारी अम्मा के लिए ऐसा बोल दे और वो अपने पैरों पे खड़ा रहे, ये असंभव है, समझी? ऐसा हम नहीं होने देंगे। पुष्पा सिंह हाय हाय, पुष्पा सिंह हाय हाय, सुनिए हाय हाय, पुष्पा सिंह हाय हाय, आ गई, पुष्पा सिंह हाय हाय, पुष्पा सिंह हाय हाय, एक मिनट भाई, अब कोई भी आगे बढ़े तो मैया कसम चित्रा देंगे यहीं पे, और अपने इस रंगीन मिजाज सूतली बम को बोलो ना कि एक और वारिस काहे ला दिए इन्होंने। बम? हम? पुष्पा जी? चुप रहिए नवाब। अरे नवाब साहब बोलिए पूरा। ऐसा है, यहाँ से निकलिए आप, नहीं चाहिए आपका जमीन जायदाद, आपका मिल खेत, आपका पैसा, सबको लेके निकलिए यहाँ से। और आप सब सुन लीजिए, ये हमारी माँ है और ये इनका जो फैसला होगा, इनको पूरा अधिकार है अपनी जिंदगी का फैसला करने का, ये इनकी जिंदगी है, समझे आप? और इनकी बेटी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका कुछ भी फैसला हो इनके सामने खड़े रहे, उस फैसले का सम्मान करें और इनके साथ खड़े रहें। और किसी की भी मैया ने किसी को एक्स्ट्रा दूध पिलाया हो ना, हमारे सामने आए, हमसे निपटे और इनको हाथ लगा के दिखाए। जीजी, जीजी, अरे ओ जीजी, अरे हटो, हटो, अरे हटो, जी? जीजी, अरे जीजी, अरे अरे, अरे, अरे एक मिनट, यहाँ, यहाँ, क्या हुआ? जीजी, हम ना गर्भवती नहीं है, हाँ, वो क्या है ना कि हमने दूसरे डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराया, वो हमें बोले तुम ना बिल्कुल गर्भवती नहीं हो, गैस का तकलीफ है। बाप रे, इसलिए हम कहते हैं इतना मत खाया करो। एक सेकंड, ये क्या खुसुर पुसुर हो रहा है, और ये पारो चाची यहाँ क्या कर रही हैं? बात दरअसल ये है कि पारो के पति का देहांत 6 महीने पहले हुआ है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लालच। पारो अपनी गर्भवती होने की बात छुपा कर रखना चाहती थी, इसलिए किसी तरह हम इस बिल्ले से पीछा छुड़ाकर क्लिनिक पहुंचे, जहां पारो पहले से हमारे इंतजार कर रही थी। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर कोई गलती हुई है। आप प्रेग्नेंट हैं मैडम, और यही सच है, प्रेगनेंसी में क्या सावधानियां बरतनी है वो आपको लिख के देती हूं मैं। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों चिंता कर रही हो, हम सब संभाल लेंगे, और वैसे भी
अभी किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम कुछ करते हैं, निकालते हैं कुछ हल। मैडम, पेशेंट का नाम क्या लिखना है? Oh my God, excuse me. Means this report is not pregnancy report. फिर वो पी सिंह पारो सिंह। अच्छा, पी फॉर पारो, नॉट पी फॉर पुष्पा। Oh my God, I have a big mistake. मतलब ये सब तुम्हारी वजह से हो गया सब कुछ। मेरे वजह से? और वो सब उल्टी उल्टी जो आपको हो रहा था वो सब? हाँ हाँ, चटपटा खाने का मन कर रहा था वो। देखो, जो हम बता रहे थोड़ा शांति से सुनना, हाँ, एकदम से अपना बंदूक मत निकालना। क्या हुआ? बता रहे ना। उधर क्या देख रही है? हाँ, नहीं नहीं, नवाब साहब ने वैसे कुछ नहीं किया है। क्या किया? बता रहे हैं। एक रात पहले ही, एक रात नवाब साहब ने हवेली की छत पे बुलाकर बिरयानी खिलाई थी और वो इतनी लाजवाब बनी थी कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हमारे मन में लालच उठ गया, भूख पड़ गई और हमने इतनी खाई कि हमारा हाजमा खराब हो गया ना, तो इसलिए हमें वो उल्टी उल्टी पर पारों की गर्भवती होने की खबर ये सब मिलके गड़बड़ हो गई। अरे यही तो सोच सोच के अंदर हम परेशान हो रहे थे कि अरे बिरयानी खा के कौन बाप बना है भाई। तुम क्या लुक दे रहे हैं रे बाबू, हैं? तुम क्या लुक दे रहे हैं? ये सारा रायता ना तुम्हारे दो कौड़ी के घटिया शक की वजह से फैला है दम पिसाच, हैं? ना ही तुम पुष्पा जी पर शक करता, ना ही ये सब होता। बस बस बस, ज्यादा तनो मत। गुड न्यूज ये है, आई एम बिलू द स्पाई, कोई नहीं आ रहा है मेरा बहन और भाई। सवाल ये है कि अगर पारो चाची प्रेग्नेंट नहीं है तो डॉक्टर ने झूठी रिपोर्ट काहे बनाई? यही तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। इतने पढ़े लिखे तजुर्बेकार डॉक्टर हैं, फिर भी ऐसी मूर्खता भरी गलती कैसे कर सकते हैं वो? हम अभी जाते हैं उनके पास और पता लगाते हैं सच का। जी जी, हम भी चले क्या? अब क्या न्योता देना पड़ेगा? चलो। बेस्ट ऑफ लक माँ। बेस्ट ऑफ लक क्या? चलो तुम भी। जाओ ना, बेस्ट ऑफ लक। चलो चलो चलो। ए, काम पे करो। अरे सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आई वांट गायनोलॉजिस्ट। अरे सर, डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट तो लीजिए। हम अपॉइंटमेंट लेते नहीं, हम अपॉइंटमेंट देते हैं। और हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। माँ, अभी देखो ऐसी लाइन बोलता हूँ, खिल जाएगी। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, आई एम बिलू द स्पाई। माँ हिली नहीं। चलिए लाइन में आइए फटाफट। जेनी जेनी, एक मिनट, क्या कर रही है तुम? हमारा जो हॉस्पिटल है वर्ल्ड फेम हॉस्पिटल है और तुम ऐसे बात कर रही हो? एक काम करो, तुम जाओ, हम बात करते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, जो भी बात होगी सबके सामने होगी और अभी के अभी होगी। बात ये है कि क्या हुआ? जी जी, हमारा पेट बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा है। ए बाप रे, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। जेनी, फौरन इन्हें सोनोग्राफी रूम में ले चलो। डॉक्टर संभल के, बहुत दर्द हो रहा है। ओ माय गॉड, इट्स ह्यूज मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। ओके, मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लगता है जल्दी एबॉर्शन करना पड़ेगा। एबॉर्शन अभी इसी वक्त? ऑन रिकॉर्ड, नहीं तो इनकी जान को खतरा है। खर्चा कितना होगा? वर्ल्ड बेस्ट प्राइस, ओनली 50,000। नहीं ये नहीं। जी 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 जी, हम क्या कह रहे हैं कि हमको तो लगता है कि हमारे पेट में गैस। उनको गैस करने दो। चुप रहो ना। अरे आप लोग क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी बताइए, करें तैयारी। अम्मा बस करो, ये बात हम भी जानते हैं और आप दोनों भी अच्छे से जानते हो कि ये गर्भवती नहीं है। और हमने दो और डॉक्टरों से इसकी जांच करवाई है जिन्होंने कहा है कि ये गर्भवती नहीं है। अब जब ये प्रेग्नेंट ही नहीं है तो फिर आप अबॉर्शन किसका करेंगे? अरे मैडम, क्या बात कर रहे हैं आप? आप इतने दावे के साथ कैसे कर सकती हैं कि जिन दो डॉक्टर से आपने इनका चेकअप करवाया है उनकी रिपोर्ट 100% सही है? और वैसे भी मैडम, हमारा जो प्रोफेशन है इसमें बहुत सारे फील्ड डॉक्टर हैं। जैसे कि? वैसे हम तो डायग्नोसिस स्पेशलिस्ट हैं। मैडम आप बताइए, आपको किसकी रिपोर्ट पे यकीन है? एक्सक्यूज,
काबिल नहीं। वो डॉक्टर अभी भी कह रहा है कि बारूच गर्भवती है, तुरंत अबॉर्शन करना पड़ेगा, 50,000 रुपए मांग रहे हैं। मुझे तो ये डॉक्टर करेक्ट नहीं लग रहे हैं, झोलर ही लग रहे हैं। झोलर लग रहे हैं तो लाओ, उठा के लाओ, खाना उठा के लाओ उन दोनों को, हम अपने तरीका से निदान निकालते हैं, ठीक है? ओके, विल दिस फायर ओवर एंड आउट। अरे अगर वो गर्भवती ही नहीं है तो कैसे आप गर्भपात करेंगे, समझ में आ रहा है आप लोग? शांति शांति यार, अभी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करेंगे हमारी करिश्मा मैडम, आप थाने चलिए। कम 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 कम। अब बेहतर महसूस कर रही हो? सफर कर पाओगी ना? जी। तो एक काम करो, ये पैसे रखो, गांव चले जाओ, वहाँ हमारे पहचान वाले डॉक्टर साहब हैं, हम उनको फोन करके बताते हैं सब कुछ, वो ठीक करेंगे तुम्हें, ठीक है? ये लो, जाओ जल्दी जाओ। जी जी जी। मैया की सासू माँ, समझते क्या हो खुद को? हाँ, क्या बकवास कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आता है तुमको? शर्म नहीं आता है डॉक्टर होके तुम ऐसा बात करते हो? ये क्या कर रही है? शांत हो जाइए, शायद थोड़ा सा एम के साथ काम लीजिए। आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ ऑफिसर, बहुत गलत किया है आपने। हमें चुप करो ना अभी। एक ही जत्था डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया है, वो भी हॉस्पिटल से उठवा के थाने पे ला करके, और गैर कानूनी हरकत कर रही मेरे साथ। अब देखिए क्या होता है। अभी तो हमारे पास सबूत भी हैं। देखो। गुड रोशनी, गुड। अब देखिए क्या होता है। सूजन होगा। अरे चुप करो। अब ये वीडियो होगा सोशल मीडिया पे वायरल। अब आप अपने डिपार्टमेंट को जवाब देते रहना अपने इस गैर कानूनी हरकत के लिए। तुम्हारी मैया की सासू मैया। शांत शांत शांत, क्या कर रही हैं आप? इधर आइए। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रही हैं आप? वो आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं रही हैं आप? हाँ, थोड़ा संयम के साथ काम लीजिए। ठीक है ठीक है, आप चले जाइए। हाँ ठीक है जा रहे हैं। अब ये बात यहीं तक नहीं रुकेगी, बहुत आगे तक जाएगी। एक एक फंसोगे। हाँ हाँ, चाहिए चाहिए। देख रही हैं मैडम, ये दोनों मियां बीवी कितना चालू है सब। अरे हमको तो लगता है दोनों ना प्लान के साथ आया था सब, कि मैडम को उकसा कर ऐसा वीडियो बनवा लेगा सब, उसके बाद से इसी वीडियो का फायदा उठाएगा सब। अरे हमें इन बकवास बातों में नहीं पड़ना है, हमें ऐसे फर्जी डॉक्टरों का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना है, ये झूठे मकार डॉक्टर को बेनकाब करना है, समझ रहे हो हमारी बात को? हम सब जानते हैं। जैन सर। जैन, अब जो भी कीजिएगा बहुत सोच समझ के कीजिएगा। आपका वीडियो वायरल हुआ है और डॉक्टर दंपत्ति के आसपास भी मत फटकिएगा, ऐसा ही करिश्मा सिंह, नहीं तो मेडिकल एसोसिएशन वाले हैं ना, वो बवाल मचा देंगे, बवाल, आप सस्पेंड भी हो सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी तरफ से आप पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मतलब मीडिया जिसे सही कहती है वो सही होता है, मीडिया जिसे गलत कहती है वो गलत हो जाता है, मतलब सच भाड़ में जाए और जो इंसाफ है वो झोला लेके भीख मांगता रहे बस। करिश्मा सिंह, ये क्रांतिकारी और ज्ञान की बातें जो है ना, ये पुस्तकालयों में शोभा देती हैं और उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए कोई जाता भी नहीं है। पुलिस का असली धर्म होता है सच्चाई पर अडिग रहना और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ना, और आप बता रही हैं कि सही और गलत, सही गलत का ध्यान आपने रखा होता ना तो आज ये नौबत आती ही नहीं। मैं बस ये बताने के लिए यहां पर आया हूं कि ये केस जब तक चल रहा है आप इस केस पर काम नहीं करेंगी। हम चलते हैं। जय सर। जय। बताइए मैडम, आप इस केस पर काम नहीं कर सकती हैं? मैडम सर यहां पर है नहीं और हमसे होगा नहीं, तो कौन करेगा इस केस को सॉल्व? पुष्पा जी इस केस को सॉल्व करेंगी। हम कैसे? क्यों नहीं, यही तो आप चाहती थी ना कि रिटायरमेंट से पहले आप एक केस सॉल्व करें खुद के दम पर, इसी की ना बात करती रहती है आप हर वक्त हम सबके सामने, तो फिर यही मौका है पुष्पा जी, यही केस है वो, कर दीजिए इस केस को सॉल्व, टंटा खत्म कीजिए और डिपार्टमेंट को प्रूफ करके दिखाइए कि हेड कांस्टेबल पुष्पा जी क्या चीज है। आज से ये केस आपका हुआ। अरे सोच क्या रही हैं? बताइए इस केस पर क्या करना है पुष्पा जी,
अब से बल्कि अभी इसी वक्त से इस केस पर सिर्फ आपका ऑर्डर फॉलो किया जाएगा पुष्पा जी। अब करिश्मा मैडम को निर्दोष साबित करने का सारा जिम्मेदारी ना आप ही का है, हम सब आपके अनुसरण में हैं। बोलिए क्या करना है पुष्पा जी। माँ आप कर सकती हो, आप कर सकती हो माँ, यू कैन डू इट, हम सब आपके साथ हैं माँ। हाँ पुष्पा जी आप कर सकती हो। अरे रुको रुको, तुम लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये सोनोग्राफी रूम है जनाब। इस नाचीज को नवाब वक्फ कहते हैं, लखनऊ के शाही खानदान के आखिरी चश्मो चिराग है। तो ये है हमारे मुख्तसर सतारुख, और ये है हमारी बेगम साहिबा नूर बानू। शर्मा कह रही हो, आदाब करो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा को। आदाब आदाब आदाब। जनाब मसला ये है कि ऊपर वाले ने हमें बेहिसाब डॉलर से नवाजा, मगर बदकिस्मती ये है कि उसे सौंपने के लिए हमें वारिस नहीं दिया। बाखुदा जनाब हर तरीका आजमाया, हर दरवाजे पर मन्नतें मांगी, मगर औलाद नसीब ना हुई। 15 साल की मन्नतों के बाद कहीं आज जाकर तकदीर के पत्ते सीधे पड़े और हमारी बेगम साहिबा को वो उल्टी शुरू हुई। अब जाकर लगता है कि खुदा ने हमारी सुन ली और हमारी तमाम जायदाद का वारिस हमें मिल जाएगा। बस एक छोटी सी इल्तिजा है आपसे, हमारी बेगम साहिबा का एक डॉक्टरी मुआयना कीजिए, हमारी एक उम्मीद की खुशी पर अपनी तस्दीक की मुहर लगा दीजिए। आइए ले जाइए। आइए 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 आओ आओ बेगम साहिबा आओ आराम से। बाल से कुछ गड़बड़ ना हो वरना हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.